हम अभी उल्नार में हैं और यहाँ खेती हो रहा है, तो देखने के लिए आए थे, खेती करने के लिए आए थे। यहाँ पे लगा रहे हैं जोंधरा मक्का, और 3-4 महीने में मक्का हो जाता है और इसको मंडी में बेचते हैं, कुछ फ़ायदा हो जाता है उससे किसान को। और देख रहे हैं अभी खेती का काम चल रहा है पूरा, भी ये 10 एकड़ का खेती है यहाँ पे। वहाँ पे ट्रैक्टर में जुताई कर रहे हैं और साथ में खाद भी डाल रहे हैं और बीज भी डाल रहे हैं हम। देखिए एक खेती है पूरा जो दिख रहा है आपको, पेड़ के जा तक ले इन्हीं का खेती है वो। यहाँ मक्का लगाया जाता है क्योंकि पानी नहर वहर की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, तो ऊपर वाले के भरोसा रहते हैं। तो जो ज़मीन है ये पहाड़ी टाइप की ज़मीन है, ये इससे क्या है मक्का ही होता है, इसमें धान नहीं हो पाता, तो मक्का ही लगाया जाता है ऐसी ज़मीन में। और ये जगदलपुर से 15 किलोमीटर दूर उल्नार गाँव है, वहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर पूरा खेती में गाँव वाले पूरा परिवार आके खेत में काम करते हैं और पढ़ते भी हैं, स्कूल भी जाते हैं, और साथ में सब मिलजुल के काम करने से ही घर का विकास होता है, देश का विकास होता है, और साथ में कुछ पैसा भी बच जाता है। जो नौकर लगते हैं, चक्कर लगते हैं, उसके पैसा जो है बच जाता है। तो इस तरह से काम करने से ही खेती में फ़ायदा है, पूरा परिवार मिलकर खेती में काम करना चाहिए, तब कुछ फ़ायदा दिखेगा। उन्नार का किसान है, प्राथमिक शाला उन्नार। बड़े होके क्या बनोगे, क्या बनना है बड़े होके? पुलिस बनना है, आर्मी बनना है। इधर जरा क्या बनना है, ये देखो इनका ख्वाहिश है, ये बड़े होके आर्मी बनेगा। छोटू तो जाना है बंदूक चलाना है, बड़े होके आर्मी बनना है इनको। तो पढ़ाई करना जरूरी है ना, तो पढ़ते हो ना, गिनती भी आता है पूरा, पहाड़ आता है। हाँ तो पढ़ना है बेटा, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। देखिए कौन कौन सा खाद है बेटा, क्या खाद मिला इसमें? डीएपी है ना। और देखिए हम इस वक्त उल्नार के किसान के यहाँ हैं और यहाँ पे लगा रहे भुट्टा, मक्का लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए खेती काम चल रहा है यहाँ पे, और ट्रैक्टर में जुताई हो रहा है। और बच्चे लोग भी खेत में काम करने के लिए आए हुए हैं अपने मम्मी के साथ में। हेलो गाइस, जय जोहार। आज हम आए हुए हैं उल्नार के किसान के भाई के यहाँ और ये मक्का लगा रहे हैं। जो जमीन दिख रहा है पूरा ये खेती में जुताई किए हैं और मक्का लगा रहे हैं, और इसी मक्का से खेती करके अपने परिवार चलाते हैं। तो आज हम भाई से मिलते हैं। भाई जी आपका नाम क्या है? गोवर्धन बघेल। गोवर्धन बघेल जी हैं, और खुद का ट्रैक्टर है आपका? नहीं, खुद का है जी। खुद का ट्रैक्टर है और इनका पूरा परिवार आज मक्का लगाने में लगे हुए हैं, खेती करने में। और खेत को देख रहे हैं यहाँ पे, पूरा जुताई कर रहे हैं। आप खुद जोतते हैं? आप खुद जुताई करते हैं ट्रैक्टर में, और खुद इनका जो परिवार है पूरा लगे हुए हैं। चलिए मिलवाते हैं। सर जी आप यहाँ पे कितना एकड़ है आपका? 10.5 एकड़ है। 10.5 एकड़ जमीन है यहाँ? पूरा जमीन जो दिख रहा है बात क्या है? पूरा जमीन है। देखिए पूरा जमीन जो दिख रहा है ये बघेल जी का जमीन है पूरा, और यहाँ पूरा मक्का लगेगा, पूरा मक्का लगेगा। तो ये मक्का जब होता है तो कितने के बेचते होंगे आसपास? अब इसी साल तो लगा रहा हूँ सर, थोड़ा थोड़ा लगाया था पिछले साल। हाँ इस साल अच्छा होगा तो ज्यादा नहीं, 10 एकड़ में ज्यादा नहीं होने से भी 4 तक तो होना है। 4 लाख तक? देखिए 4 लाख तक इसमें कमाई हो जाएंगे मक्का में। और कुछ खेत और है उनका उस साइड में, तो वहाँ पे धान लगाते हैं। तो मेहनत करने से क्या नहीं होता है। आज हम बस्तर के उल्नार गांव में हैं, और अब जो जमीन दिख रहा है देखिए कितना ढलाऊ जमीन है, यहाँ पे पानी रुकता नहीं है, और यहाँ पे जो पथरीला जमीन है उनको सफाई वफाई करके खेत बनाया गया है इनको। और कितना अच्छा लग रहा है देखिए, पूरा यहाँ मक्का लगेगा। हमारे भाई जी किसान हैं बस्तर का, और ये जगदलपुर से 15 किलोमीटर दूर उल्नार गाँव है वहाँ का है, और आज हम मिलने के लिए आए हुए हैं और साथ में खेती कर रहे हैं, कैसे खेती करते हैं उसको भी देखेंगे। तो भाई जी से गोवर्धन नाम बघेल जी से पूरा परिवार खेती के लिए जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा लगा। चलिए ट्रैक्टर चढ़ते हैं। देखिए हम ट्रैक्टर चढ़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बड़ा खेत है, 10 एकड़ का जमीन है, और यहाँ मक्का लगेगा।
देखते हैं। अभी मक्का का खेती चल रहा है यहाँ, और क्योंकि ज़मीन ढलाऊ ज़मीन है तो मक्का ही होता है यहाँ पे, तो मक्का लगाते हैं जोंधरा, और काफ़ी कमाई है यहाँ पे किसान लोग, पूरा परिवार इसमें जुड़ा है, और सभी लोग घर से निकल के खेत में आते हैं और खेती में काम करते हैं, और इसी से जीवन चलता है। ये एक खातू डाल रही है खेत में, देखिए। अब स्कूल नहीं जाती क्या? जाती है स्कूल? हाँ, स्कूल में भी जाती पढ़ने के लिए, और खेती में भी काम करते हैं। देखिए खातू लगा रही है इसमें, और भाभी जी अभी मक्का डाल रही है लाइन से। इस तरह से मक्का की खेती होता है यहाँ पे, देख रहे हैं। पूरा मक्का की खेती में पूरा ज़मीन को पहले जोतते हैं ट्रैक्टर से, फिर उसके बाद खाद डालते हैं, खाद डालने के बाद उसमें मक्का डालते हैं। मक्का जो ज़मीन होता है उसमें पानी नहीं उतना चाहिए, पानी ढाउन होना चाहिए, तो मक्का का अच्छा फसल होता है यहाँ पे, और मक्का को मंडी भी भेजते हैं ये लोग। दोनों बहन मक्का में मक्का लगा रही खेत में। देखिए स्कूल जाती हो आप लोग? नहीं। स्कूल नहीं जाते हो? नहीं। तो खेती में काम करते हैं? हाँ। और कुछ काम वाम और घर में कुछ खाना बनाना आता है? आता है ना। हाँ। और चापड़ा चटनी बनाती हो? आ जाता है चापड़ा चटनी बनाना। हाँ, देखिए मक्का लगा रहे इसमें। यही वो लड़की है जो चापड़ा चटनी बनाती है, और बहुत टेस्टी बनता है चापड़ा चटनी। बस्तर में चापड़ा चटनी को बहुत अच्छा स्वादिष्ट माना जाता है, जो आता है बाहर से ज़रूर खाता है चापड़ा चटनी। लाल चटनी का बनता है, और ये भी खाता है लाल चटनी की चटनी, देख रहे हैं। अभी खाद डाल रहा है, अपने बाबू के साथ आए हुए खेत में काम करने के लिए। स्कूल जाता है? पढ़ता है स्कूल में? देखो स्कूल में जाता है, और आज संडे है तो खेत में भी काम करने के लिए आए हैं सब। इसी के मेरे देश की धरती सोना उगले चांदी उगले उगले हीरा मोती। देखिए खेती करने से पूरा परिवार चलता है, और देश का भी फायदा होता है इसमें। डीएपी डाल रही है, डीएपी खाद है ना ये। ये मक्का है, देखिए ये उसका बीज है, और इसको खेत में डाला जाता है। अब ये खाद है, डीएपी खाद है, देख रहे हैं।
और सल्फोजिंग का जो पाउडर है वो DAP में मिलाया जाता है। और इसी को खेत में डालकर फसल पैदा करते हैं। देखो चढ़ना है, ट्रैक्टर चढ़ना है, लगाएंगे भुट्टे को लगाएंगे लगाएंगे लगाएगी भुट्टा लगाएगी जो है ये भुट्टे लगा रही। चल तो लगा, ये भुट्टे का बीज है और इसमें एक एक बीज लगाते हैं लाइन से। देखिए इसे लाइन से लगाते जाते हैं। ये है किसानिन है, ये बस्तर की किसानिन, और ये मक्का लगा रही है। देखिए ये बस्तर का किसानिन, यही है बस्तर के किसान, देख रहे हैं। इस वक्त ये भुट्टा लगाई है यहाँ पे, और जोंधरा बोलते हैं यहाँ मक्का, और क्यों पानी की व्यवस्था नहीं होता तो मक्का की खेती करते हैं यहाँ पे। तो हमने आज मक्का की खेती आपको दिखाएं, तो ज़रूर पसंद आया होगा।